ओहो, मुझे देखने के लिए मरी जा रही है। लो देख लो। हाँ? कहो तो आज पूरा खोल कर ही दिखा दो। राजू के बच्चे सीधे सीधे बताओ, इतने दिनों से कहाँ घूम थे? उल्टे सीधे जवाब दिया तो इतने जूते पड़ेंगे कि कभी कुछ किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अब ऐसे कैसे? अब गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड ही रहो। तुम तो बात बात पर बीवी की तरह तुरंत लात घूंसे मारने पर उतारू हो जाती हो। वैसे शीला, तुमने जो कोहिनूर मांगा था ना, उसी के लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था। अच्छा, पैसे जमा हो गए? तो हम लंदन कब जा रहे हैं कोहिनूर लाने? नहीं रे, मैं तो मेडिकल स्टोर पर जो कोहिनूर मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो बोलो कब चलोगी ओयो? कोहिनूर और मेडिकल स्टोर पे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दीदी को समझ में आया हो कि लादू कित कोहिनूर की बात कर रहा है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर तीला को बता दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, आपके हाथ में यह क्या देख रहा हूँ? ये किस चीज की किताब है? यह शेक्सपियर की किताब है। शेक्स की किताब? इसकी किताब पढ़ने की क्या जरूरत है सर? एक उम्र होने के बाद लोगों को इसके बारे में अपने आप पता चल जाता है, और तो और सभी जानवरों को भी खुद ब खुद पता होता है। हाँ ताल, मैंने तो सुबह ही अपने मोहल्ले में कुत्ते को कुत्तिये के दांत कलते हुए भी देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुत्ते ने कभी पहले कोई किताब पढ़ी होगी। क्या आप इन फालतू चीजों की किताब पढ़ रहे हो सर? अरे अगर इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो मुझसे कहिए ना, मैं तो ऐसी नॉलेज फ्री में बांटता रहता हूँ। हाँ ताल, आदू को नुक्कल पल ऐते ऐते ज्ञान की गंगा बहा देता है कि पूछो मत। आप कभी अंधेरे में आइए तो सही। अबे अकाल के अंधे, नाम चतुर सिंह, मैं शेक्सपियर की बात कर रहा हूँ। शेक्सपियर की? तुम्हें पता भी है कि शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर माने जो जो आदमी अपने पियर मतलब कि ससुराल में जाकर पत्नी के साथ सेक्स करता है, उसे ही शेक्सपियर कहते होंगे। अबे नालायकों, शेक्सपियर अंग्रेजी के सबसे महान कवि का नाम है, या अंग्रेजी भाषा के महान कवि हैं। अंग्रेजी भाषा तो सुना होगा ना, कि वो भी नहीं सुना? देखो साहब, भाषा के नाम पर मुझे एकमात्र हिंदी का पता है, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषा है। देखो, हिंदी तो हमारी सर्वव्याप्त भाषा है ही, इसके साथ भी और कई भाषाएं हैं जिसके बारे में हमें सीखना चाहिए। अतताल, और कौन कौन सी भाषा है जो हमें सीखनी चाहिए? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, यह सब भाषाएं कई देशों में बोली जाती हैं। अरे यह भी कोई भाषा है? अरे बोली जाती होगी ये दूसरे देशों में, हमारे यहाँ तो लोग अरबी को सब्जी बनाकर खा लेते हैं और चीनी को भी खा लेते हैं। और तो और अंग्रेजी को तो पी लिया जाता है, हमारे यहाँ लोग अंग्रेजी दिल खोल कर पीते हैं, बोलते नहीं। और अंग्रेजी पीने के बाद तो ऐसे ही धड़ाधड़ अंग्रेजी निकलने लगती है। भाई लादू, हमारे यहाँ लोग इत भाषा को क्यों नहीं बोलते हैं? अरे भाई, इन भाषाओं में वह ताकत नहीं है, वह दम नहीं है जो हिंदी में है। ये कैसी बकैती कर रहा है बे? भाषा भी क्या ताकतवर होती है? हाँ सर, होती है ना। जब भी कभी आपको किसी को डराना हो, धमकाना हो, या अपनी तरह से कुछ समझाना हो, तो बस एक बार कह के देखना, हिंदी में समझाऊं क्या, फिर देखना सामने वाला कैसे भींगी बिल्ली बनकर भागता है। भाई लादू, हिंदी तो सच में सबसे ताकतवर भाषा है। सर, ये तो बकैती करने के लिए ही आते हैं, आप तो कम से कम कुछ पढ़ा दिया करो। अरे यो शीला की जवानी, लोग मेरी बकैती ही सुनने आते हैं, तुम्हारा थोबड़ा देखने नहीं। बड़ी आई पढ़ाकू की नानी। रजुआ, तुम अपने बकवास बंद कर और चुपचाप कान खोल कर सुन। सर, मैं तो कान खोल कर ही सुनता हूँ, आप और क्या क्या खोल कर सुनते हैं? लगता है तल को तुनने के लिए भगवान ने कई और छेद दिए हैं। आगे से कोई बकैती नहीं, सीधे सीधे जो मैं पूछ रहा हूँ उसे सुनो और समझ कर जवाब दो। सर, आपको जो पूछना है पूछो, ये ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे। तुम थोड़ा लाइन पास कर दो, कब से मैं इस आस में टाइम पास कर रहा हूँ। लो, पूरा लाइन पास कर दिया, कहीं कोई रुकावट नहीं। और चाहिए? नहीं नहीं, बहुत हो गया।
सर आप अपना कार्यक्रम चालू करो, चालू करो। ठीक है ठीक है। अब बच्चों सोच कर बताओ कि वह कौन सा पान है जिसे खाया नहीं जा सकता। वो कौन सा पान है जिसे खाया नहीं जाता? ये रजवा सवाल सुनकर तुम काहे हंस रहा है बे? ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसलिए इसे जवाब भी नहीं पता होगा। वो हंस-हंस कर बस टाइम पास कर रहा है। अरे बबलू अब देखो तो क्या हो गया राजू को, सवाल सुनकर इसे हंसी पर हंसी आ रही है। कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया? अरे सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं आपको क्या हो गया है, आपने ऐसा सवाल ही कर दिया कि मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। हैं? अब मैंने ऐसा क्या पूछ लिया बे? मैंने तो बस यही पूछा है कि वह कौन सा पान है जिसे खाया नहीं जाता। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सर मुझे इस सवाल का जवाब सोचकर हंसी आ रही है। अच्छा तो तुम्हें इसका जवाब पता है, तो चल बता कि वह कौन सा पान है जिसे खाया नहीं जाता। स्तन पान। अबे नालायक तुझे ऐसा ही उल्टा सीधा जवाब मिलता है, नालायक कहेगा। पुतल आप ही बता दो कि वो कौन सा पान है जिसे खाया नहीं जाता। जापान। जापान वह पान है जिसे खाया नहीं जाता। वैसे शीला तुम मुझे स्तन पान, मेरा मतलब है कि अपना पान कब खिलाओगी?